नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद में खबर चलाने से बौखलाए रोजगार सहायक ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। हम आपको बता दें कि विदिशा जिले के शमशाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर टीकाकरण महाअभियान के दौरान वैक्सीनेशन केंद्र महानीम चौराहा पर तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह द्वारा रोजगार सहायक पर निलंबन करने की कार्रवाई की गई थी, जिसकी खबर को पत्रकार सोनू धाकड़ द्वारा पेपर में लगाई गई थी। पेपर में खबर छपने के बाद रोजगार सहायक अशोक धाकड़ ने विगत रात्रि 9 बजे पत्रकार सोनू धाकड़ के घर जाकर जान से मारने की धमकी दी व परिवारजनों के सामने गाली गलौज की, जिस पर शमशाबाद प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकारों ने तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह व थाना प्रभारी पंकज गीते को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर विनय सक्सेना, अभिषेक जैन, ईश्वरी भार्गव, विमल विश्वकर्मा, अंकित चौहान, विक्की संतोष धाकड़, राजेंद्र धाकड़, शिव कुमार यादव, कुलदीप रत्नाकर, मिंटू जैन, धर्मेंद्र प्रजापति, सोनू धाकड़ आदि उपस्थित थे। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया हमारे पत्रकार सोनू धाकड़ ने, एक समाचार लगाया था उसके संदर्भ में जो गाली गलौज हुई है उस पर कार्रवाई के लिए पत्रकार संघ द्वारा टीआई साहब को ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई करें यह सुनिश्चित किया गया है। मारने की बात दिया 17 तारीख को महावैक्सीनेशन अभियान था, तो शासकीय प्राथमिक शाला मानीम चौराहे पर वैक्सीनेशन सेंटर बना था, वहाँ पर अशोक धाकड़ जो कि रोजगार सहायक हैं उनकी और सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, लेकिन वहाँ पर अशोक धाकड़ रोजगार सहायक उपस्थित नहीं थे और तहसीलदार साहब महोदय जी वहाँ पर शमशाबाद तहसीलदार पहुँचकर उन्होंने निरीक्षण किया तो ये अनुपस्थित पाए गए, तो अनुपस्थित पाए जाने पर तहसीलदार सर द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। वो कार्रवाई की खबर मुझे जानकारी लगी तो मैंने अपने द्वारा अपने पेपर में वो खबर लगाई। खबर लगाने के बाद कल रात 9 बजे रोजगार सहायक अशोक धाकड़ ग्राम पंचायत बमोरी मेरे घर पर आया। मेरे पत्रकार माता पिता भाई सबके सामने मुझे धमकी देके गया है कि तुझे बहुत ज़्यादा पत्रकारिता भरी है, मैं तेरी पत्रकारिता निकालता हूँ, कल तुझे निपटा दूंगा, और गाली गलौज कर मुझे जान से मारने की धमकी दी है, और यदि मुझे या मेरे परिवार को कोई भी जनहानि होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अशोक धाकड़ और उसके परिवार की होगी। आज किस लिए आए हो? आज माननीय थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि सर इस पर उचित कार्रवाई की जाए और मेरी जान को जो खतरा है मुझे कृपया सुरक्षा प्रदान की जाए, मुझे और मेरे परिवार को। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।